नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V23 Pro 5G versus Motorola Edge 30 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V23 Pro 5G में 6.28 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो V23 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो V23 Pro 5G में 0.29 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 0.34 इंच की थिनेस मिलती है जो कि V23 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V23 Pro 5G में 171 ग्राम जबकि Edge 30 Pro 5G में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि V23 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो V23 Pro 5G में AMOLED जबकि Edge 30 Pro 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो V23 Pro 5G में 19:8:9 जबकि Edge 30 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V23 Pro 5G में 6.56 इंचेस जबकि Edge 30 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V23 Pro 5G में 1080x2376 और Edge 30 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V23 Pro 5G में 89.04% जबकि Edge 30 Pro 5G में 87.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V23 Pro 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V23 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो V23 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V23 Pro 5G में डुअल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Edge 30 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V23 Pro 5G में Mali G77 MC9 जबकि Edge 30 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V23 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 और Edge 30 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Edge 30 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Edge 30 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी V23 Pro 5G में 4300 mAh जबकि Edge 30 Pro 5G में 4800 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V23 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें H30 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo V23 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola H30 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में V23 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में H30 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 है, दूसरा Samsung Galaxy S21 5G है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।